यार अगर वो इसकी कुछ होती तो इसको छोड़ के जाती क्या? लगता है इसको कहीं से उठाकर लाई होगी। राज मेरे ख्याल से वो औरत नहीं आएगी। चल छोड़ इसको, थोड़ी देर रुक, चलना यार। अरे तुम इसे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे हमारे खुद के रहने के वांदे हैं, तो इसको किधर रखेंगे? तो क्या ये तुम्हारी बहन नहीं है? नहीं माँ जी, इसकी माँ इसको यहाँ छोड़ के गई। बोली मैं अभी आती हूँ, 2 घंटा हो गया अभी तक नहीं आई। बेटे तेरा नाम क्या है? ये बच्ची गूंगी है, मैं इसे पाल नहीं सकती, इसीलिए भगवान के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। बच्चों इधर आओ, तुम्हारा घर नहीं है, इसका भी घर नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस माँ का घर है। मेरे साथ चलोगे? चलो। यहां से लेकर वहां तक ये सारी जमीन हमारी है। ये मेरे भाई हैं, मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई जरा इनका खाना लगा दो। भाई आप लोगों के नाम क्या है? जय। और आपका? राज। वाह बहुत अच्छा नाम है। और गुड्डो रानी आपका क्या नाम है? गूंगी है बेचारी, चलो इसका नाम पिंकी रख देते हैं। माँ जी आप होटल चलाती हैं? हाँ। आप और मोहम्मद भाई यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले कहाँ रहते हैं, बहन जी के ईश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमारे अल्लाह बहन जी के साथ। और आपके पति? क्या है कि वो अक्सर बाहर रहते हैं बेटा। अच्छा तुम लोग तो रहोगे ना यहाँ मेरे पास, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, हमें आप जैसी माँ जी मिली है तो हम क्यों आपको छोड़ के जाएंगे। और माँ जी आपका खाना? मेरे बच्चों ने खा लिया, समझो मैंने खा लिया। चलो बरखा डार्लिंग उधर कहाँ जा रही हो? वो दुकान बड़ी महंगी है। नहीं मैं नेकलेस खरीदूंगी तो इसी दुकान से, वरना मुझे नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है उदम, शादी के परसों बाद तो पहली बार एक चीज मांग रही हूँ, उसमें भी अपनी जेब देख रहे हो साहब। अरे माफ करो, माफ करो यार। साहब मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है साहब। आए 2000 रुपए भी मांगता, ऊपर से बोलता मैं भिखारी नहीं हूँ, चल दबाओ ना यहाँ से। साहब मैं 2000 के बदले में आपको ये कीमती हार दे रहा हूँ साहब। वाओ ब्यूटीफुल, तुम्हें पसंद है ये? ठीक है फिर तुम ले लो। हाँ ये लो 2000, चलो फुट जाओ यहाँ। अबे मेरी माँ का हार इन्हें क्यों दे रहे हैं? अरे ये हार इसने हमें बेचा है। क्या मेरी माँ का हार तूने इन्हें दे दिया? साले चोर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जा नहीं तो फोड़ डालूंगा। मुझे फोड़ेगा? हाँ, तेरी तो मेरी माँ का चुराया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो
भाई, आज एक महीना हो गया, राज और जय अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहां मारे मारे फिर रहे होंगे। अरे बहन जी, बच्चे जवान हो गए, जहां होंगे ठीक ठाक होंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छी है। आपको कैसे नोट चाहिए? नोट एकदम साफ सुथरे और चिकने होने चाहिए। अबे साले, बोल बच्चन बनकर, पैसे ले और चल। ये लीजिए। चल अबे, चल ना। अच्छी, नाइस। प्राइस कितना है? सिर्फ 20,600 रुपए। क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं चेन बिना रसीद के लूं तो 20 में दोगे? ठीक है, लाइए। हाँ साहब, कुछ चाहिए? कुछ चाहिए तभी तो आया। ये गार्डन थोड़ी है जो टहलने आऊंगा। कौन सा आइटम पसंद करेंगे? नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी या चेन? चेन लीजिए। अच्छी है, कितना? 20,600 रुपए। और क्या? 20,000 रुपए। अरे दिए ना। क्या मजाक कर रहे हो साहब? मजाक कर रहा दूंगा कान के नीचे, चल जेंदे। लेकिन साहब आप, बकवास बंद करो, रसीद बनाओ और चेन दो। अरे पहले पूरी पेमेंट करो, बाद पे चेन मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लुटेरा जो हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। लुटेरा? कौन लुटेरा? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन साहब को 20,600 रुपए दिए और ये कहते कि मैंने उन्हें सिर्फ 600 रुपए दिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। इस नंबर के नोट सेठ के गल्ले में है या नहीं जरा आप चेक कीजिए। अरे सेठ, हटिए, आप जरा चेक कीजिए। अरे सेठ, इस उम्र का तो कम से कम लिहाज करो। आपके पास कोई सबूत है ये नोट आप ही के हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप महाराष्ट्र बैंक में फोन करके पता लगा लीजिए कि उन्होंने आज जय मल्होत्रा को ये नोट दिए या नहीं। महाराष्ट्र बैंक? मैं इंस्पेक्टर तेंदुलकर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। 2DM सीरीज के नोट आपने किसको दिए? मिस्टर जय मल्होत्रा को। थैंक यू। सॉरी मिस्टर जय, ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू इंस्पेक्टर। सेठ जरा ईमानदारी से धंधा किया कर। सभी को दौलत का चक्कर चला रहे हैं सब, चक्कर फेंक रहे चाल सभी बने हुए सब घन चक्कर। माल इधर कभी माल उधर, हेरा फेरी है टक्कर, सच की झूठ से है टक्कर। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। बाप है गोरा बेटा काला है, क्या करो, ड्राइवर मेम साहब लेके भागा है, क्या करो, लला ने मजनू को मारा है, क्या करो, कोई जीता कोई हारा है, क्या करो, प्लेन गिरा और 200 लुढ़ के है, क्या करो, दुनिया में यहाँ झगड़े तगड़े, मैं क्या करूं, अंधे खेले आत्म चोली, मैं क्या करूं, अंकल चुप आंटी पर बोली, मैं क्या करूं। अरे भाई साहब, ऊपर वाला किधर गया? ऊपर वाला छुट्टी पर गया हॉलीडे। दुनिया है चलता है, जो होता है करना है, करने दे। ये दुनिया है
गया, छुट्टी पर गया। दुनिया है, चलता है, जो होता है होने दे। चार दिन की जिंदगी है, जो करना है करने दे। हरिया राज में आप मटका, मैं क्या करूं, डेंगू फीवर ने दिया झटका। मैं क्या करूं, टेनेंट बन गया घर का मालिक। मैं क्या करूं, एडल्ट फिल्म देखे ना मालिक। मैं क्या करूं, बहू को जिंदा सांस जलाए। मैं क्या करूं, कोई किसी को छत से गिराए। मैं क्या करूं, हॉस्पिटल बने हैं होटल। मैं क्या करूं, यहाँ पे गुंडा राज है टोटल। क्या करूं, अरे ऊपर वाला किधर गया। मैं बोला, बहुत बोला, ऊपर वाला छुट्टी पर गया। दुनिया है, चलता है, जो होता है होने दे। चार दिन की जिंदगी है, जो करना है करने दे। अंकल आप अपनी टेंशन बोलते हैं, मेरी भी तो टेंशन सुनो। मम्मी कुत्ता करती है, मैं क्या करूं, स्कूल जाना पड़ता है। मैं क्या करूं, सुबह सुबह उठना पड़ता है। मैं क्या करूं, नींद बहुत आती है। मैं क्या करूं, अंकल लाइट ऊपर वाला कौन। बेबी बेबी ऊपर वाला कौन, गॉन फॉर वेरी नाइस हॉलीडे छुट्टी। दुनिया है, चलता है, जो होता है है। गायत्री देवी, तुम्हें पता है तुम्हारी इज्जत का अंजाम क्या होगा? इस जगह पर हमारा कब्जा होगा और तुम्हारी इन बच्चों के साथ मौत होगी। बच्चों के साथ मौत होगी? क्या इतना आसान है क्या भैरव सिंह? अरे जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, तुम जैसे शैतान से नहीं। नहीं, भगवान के लिए खामोश हो जाओ, चुप करो। अरे कैसे खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। गायत्री देवी, तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर इन 10 दिनों के अंदर तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से गायब नहीं हुई, तो हमारे आदमी तुम्हें यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फिर मुंह लटका कर चले आए? वो अकेली औरत तुम लोगों को नाकों चने चबवा रही है, तुम लोग उसको मरवा क्यों नहीं देते? समझा करो डार्लिंग, 40-50 करोड़ की जमीन है वो। अगर बुढ़िया मर गई ना तो सारी जमीन सरकार ले जाएगी और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। जीजाजी, मेरे दिमाग में उस जगह के लिए एक प्लान है। उद्धम सिंह की मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेरी जान मेरी सोच की उड़ान बहुत ऊंची है। मेरे बिछाए हुए जाल में एक दिन वो ऐसे फंसेगी कि लाख कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पाएगी वो। यहाँ पर वर्तिका, हमको बेसहारा मत करना, हमको बेसहारा मत करना, हमको बेसहारा मत करना। हाँ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये लाइटर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया है,
अब मेरे पांच दोस्तों की नजर इस पर है। आप मुझे कहीं से इस तरह के पांच लाइटर का बंदोबस्त कर दीजिए। ये लाइटर मुझे बाहर से मंगवाना पड़ेगा, पर एक की कीमत होगी 5,000 रुपए। अरे 5,000 क्या, 7,000 ले लेना। ये लो 5,000 रुपए एडवांस। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। इंपोर्टेड सामान चाहिए क्या? वो लाइटर दिखाना मुझे। ये साहब, ये दूसरा पार्टी का माल है, इसका एडवांस मैं ले चुका हूँ। और कुछ दिखाऊं साहब? अरे यार अभी मुझे 5 दे दे, जिसका माल उसे फिर से मंगवा देना। एडवांस दे दो, मिल जाएगा साहब। पर क्या, एक पीस 5,000 रुपए का है। अपना सारा छोकरा लोग जाता है, दुबई जाता है, हांगकांग जाता है। आप जितना पीस का ऑर्डर देंगे अगले हफ्ते आपको मिल जाएगा। बोलो तो एडवांस क्या दे दूं? 20,000। ये लो। अच्छा साहब, नेक्स्ट वीक मिलता हूँ, जब वो छोकरा लोग दुबई से आएगा ना। ओके हाँ ठीक है। जय। हाँ राज। मेहनत की कमाई। राज भाई, कादर भाई के यहाँ तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? प्यारे भैया जय और राज, आप लोग जल्दी आ जाइए। पिंकी? राज, पिंकी ने आज तक ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी, लगता है हमें जाना पड़ेगा। माँ के पास हम कैसे जा सकते हैं जय? उसको दी हुई तकलीफें याद नहीं है तुझे? देखे बाबू चिकना, अक्कू पाकुली ट्रैवल एजेंट कोई भी काम लोचे वाला नहीं करता बाबा। अगर तुम्हारे पास बरोबर वीजा होएगा तो भेजना, नहीं तो फोकट में पाकुली के टेम की वाट मत लगाना। मेरे को वाट लगेले आदमी और वाट लगेले वीजा से सख्त नफरत है बाबा। नमस्ते जी। नमस्ते, 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 नमस्ते। बोलो अक्कू सेठ, वो क्या है? अक्कू भाई पाकोली ट्रैवल एजेंट, नाम पूरा लेने का, बात कमती करने का, फोकट में अपनी टेम की वाट नहीं लगाने का। अंडरवेयर? अंडरवेयर? अरे समझा ना। ओ जेब, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। वो क्या ना अकू सेठ, आपने अखबार में एक इश्तेहार दिया था और उसमें लिखा था कि उसमें क्या लिखेला था वो मेरे को मालूम है, लेकिन उस लिखेले से तुम दोनों क्या समझो, वो मेरे को समझाओ ना। जी हम जी, तो वो हमें नौकरी करने के लिए बाहर जाना है तो जाओ। जी जी। अरे बाबा बाहर जाने के लिए पैसा लगता है, पैसा लाओ फिर बात करो, फोकट में मेरे टेम की वाट मत लगाना। अंडरवेयर? लेकिन सर कितने पैसे लगेंगे? एक आदमी का 15,000। ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत कुछ कम कीजिए ना। ए बाबा, इससे कमती पैसे में मैं झुमरी तलैया भेजता हूँ। जाने का है दुबई, जाने का है ना, अभी इतनी बात खोपड़ी में डाल लो कि दुबई भेजने का मैं 15,000 लेता हूँ। मंजूर है तो दो, नहीं तो गो। अंडरवेयर? माँ को अगर पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं माँ की खुशियों के लिए तो कर रहे हैं। हाँ चल आ जा। तुम लोग बोलो बाबा, वो माल पानी लाए कि नहीं भाई? हाँ सर है ना, तो लाओ ना फिर। ले लीजिए। तुम लोग मेरे को एक बात बोलो ना, तुम लोग प्यारे प्यारे नाम बताओ ना। हाँ नाम बताते हैं ना सर। मेरा नाम है राज और ये मेरा दोस्त है जय। हाँ तो राज भाई, जय भाई, अभी कल सुबह तुम लोग 11 बजे मेरी ऑफिस के बाहर आ जाना। क्या? तो तुम लोग का पार्टी है भाई, दोनों लोग का नाम होएगा और उसके बाद फौरन तुम लोग का मेडिकल होएगा और मेडिकल होते ही उड़ जाएंगे तुम लोग बाबा। अंडरवेयर? अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। भगवान जाने वो पाइप कहाँ चला गया। मोहम्मद भाई, मेरे पिताजी की वो एक ही निशानी थी, अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। हमको तो ऐसा लगता है बहन जी कि ये काम आपके दोनों लाडलों का है। जी भाई जान, ऐसी बातें मत करो, वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, वो लाख बुरे बन जाए बिगड़ जाए लेकिन अपनी माँ की खुशियों पे कभी डाका नहीं डाल सकते। लेकिन हम कह रहे हैं मोहम्मद भाई, ये काम जरूर किसी चोर का है, अब वो पाइप मुझे कहाँ मिलेगा।
कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा मुझे? अरे भाई वो एजेंट यहाँ से ऑफिस छोड़कर चला गया है। अरे मैंने तो अपनी बीवी के गहने बेच के पैसे दिए थे। अरे भाई मैंने तो दिया था अपना घर गिरवी रखकर पैसे भाई, अब हम सबका पैसा वापस करो। हाँ बिल्कुल वापस करो। अरे आओ सेठ लोग, आज फिर से कुछ माल वाल लाए हो क्या? सेठ जी दरअसल वो जो पाइप हमने आपको दिया था ना, हम वो वापस लेने के लिए आए हैं। क्या? अरे भाई शेर की खाल और चोरी का माल कभी बचता है क्या? हा? लेकिन सेठ जी वो पाइप आपने किसको बेचा है? अरे यहाँ पचासों लोग आते हैं, मैं किसकी शक्ल याद रखूंगा? मैं कबाड़ी है। चाहे, 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 राज समझा ले इसको यार। सेठ जी अगर वो आदमी आपके पास फिर से आए ना तो आप उसे वो पाइप वापस ले लेना, उस पाइप से हमारा दिली रिश्ता है। मैं कुछ दिनों के बाद आपके पास फिर आऊंगा। चल माफ करना सेठ जी, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। वो हमारी माँ है राज, और माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकती। चल हम उसे मना लेंगे। माँ बात है बहन, हाँ चिट्ठी क्यों लिखी बताना। बताना माँ। उठ गया बेटा? चाय पिएगा? जय कहाँ है? आ रहा है माँ। क्या बात है, यहाँ आकर खुश नहीं है बेटा? यहाँ पर आकर तो हम बहुत खुश हैं माँ, पर तेरी हालत देख के खुश नहीं। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छी भली तो हूं मैं। अरे बेटा जिस माँ का ख्याल रखने वाली तुम जैसे गबरू जवान बेटे हो उसे कोई दुख नहीं हो सकता बेटे। इसी बात का तो दुख है माँ कि तेरे दो जवान बेटे होते हुए भी तो दुखी है। अपना दुख हमें नहीं बताएगी माँ? तुम लोग तो हामखा मेरे पीछे पड़े हुए हो। हाथ छोड़ बेटा, काम करने। नहीं माँ, जब तक तू नहीं बताएगी हम तुझे कोई काम करने नहीं देंगे। हाँ माँ सच बोल, हमें सच की शिक्षा देते हुए तो आज तक कभी तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, तो फिर अब तू सच बोलने से क्यों घबरा रही है माँ? बोल ना माँ, तुझे हमारी कसम है। मेरे पिताजी ने बहुत पहले एक आदमी से 50,000 रुपए कर्ज लिए थे जिसे उसने सूद के साथ मिलाकर 40,00,000 कर दिए। अब पैसे मांगने आ रहा है और ना देने की सूरत में यहां से उजाड़ने की धमकी दे रहा है। अरे ऐसे कैसे उजाड़ेगा, उसके बाप का राज है। नहीं जय, इसमें कानूनी चक्कर हो सकता है, तू फिक्र मत कर मां, रुपयों का इंतजाम हो जाएगा। राज स्टार्ट कर, चल। क्या बोलता है राज, मजा आ गया आज तो। Thank you.
यस। अबे साले सरकारी बैंक में काम करते हो और बैंक की गाड़ी में ड्रग्स स्मगल करके गैर सरकारी काम करते हो। मैं जानता हूँ कि मेरा ड्रग्स से भरा हुआ वैन तुम्हारे कब्जे में है। फिर तो आपको ये भी पता होगा भाई साहब कि वो पुलिस के कब्जे में भी जा सकता है। देखो पूरे 5 करोड़ का माल है। कितने चाहिए? पूरे 50 लाख रुपए। पैसे हमें कैश चाहिए। मिल जाएंगे। आइए आइए, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। देखिए हमारे पास टाइम वाइम नहीं है, वैसे जल्दी हरे हरे नोट दिखाइए, हमें जाना यहां से। ऐसी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे 50 लाख कब से तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूं। गिफ्ट देना चाहता हूं। सिक्का। ये वो सिक्का है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था जब मैंने उसे चूना लगाया था। आज यही सिक्का मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे चूना लगाया है। और ये रहे तुम्हारे 50 लाख, गिन लो। अरे ये तो वही पाइप। मेरा माल कब मिलेगा? अभी जरा सेक्शन गरम है, नाकाबंदी चल रही है, 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, चल राज। आराम से धीरे-धीरे सब एक-एक करके लो। वन बाय वन मिलकर खेल रहा। अबे कर बच्चों खेलो। ओके 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 ओके। चला मामा। भाई लोग देखिए, आज संडे, आज आप लोग बाहर जाके खाना खाइए, ढाबा बंद। अरे चल कर क्या कर, चल। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? माँ तो इधर तो आ, तुझे सब बताते हैं मामा जी। हाँ माँ, जल्दी आ माँ, देख माँ। आइए आइए। इतने पैसे कहाँ से लाए तुम? हाँ माँ, ये पैसे पापी के जरूर है, लेकिन पाप के नहीं है माँ। मतलब बाकी बाद में समझाएंगे माँ। अरे सुनो तो। अरे यार, यहीं से तो निकाला था उसने वो पाइप, कहाँ रखा होगा? जल्दी कर, जल्दी कर। पुलिस। जय, मेरी बात सुन, हम ये ड्रग्स उधम सिंह को वापस कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हम किसी बड़े लोचे में फंस जाएं। तू समझता नहीं है यार, वो हमसे ड्रग्स भी ले लेगा, साथ में हमारी जान। उस शाने को तो लंबा बोल बचन देना पड़ेगा। हेलो, तेरी 5 करोड़ की ड्रग्स अब भी हमारे पास है, इसलिए हमें परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना। हाँ, ले आए वो 40 लाख रुपए बुढ़िया से। आखिर साला किसका हूँ? ये बैग तो वही बैग है जिसमें मैंने जय और राज को 50 लाख रुपए दिए थे। इसका मतलब है कि ये दोनों उसी बुढ़िया के पाले हुए हैं। वो खम कहाँ है? Come.
रतन भाई को बोल, भूकंप आया है। आइए, भाई ने बुलाया। बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक नया मास्टर जब पहली बार क्लास में जाने लगा तो उसे उसके हेडमास्टर ने कहा कि उस क्लास के बच्चे बहुत शैतान हैं, इसलिए जब तुम पहली बार क्लास में जाओ तो सबसे ज्यादा शैतान बच्चे को थप्पड़ मार देना, बाकी बच्चे शरारती नहीं करेंगे। अरे ये कहानी तू इधर क्या सुना रहे ला? ठहर, पहले पूरी बात तो सुन। तो उस नए मास्टर ने वैसा ही किया, क्लास में जाते ही क्लास के सबसे ज्यादा शैतान बच्चे को थप्पड़ मार दिया। तेरा मतलब क्या है? मतलब ये है कि तू इस बस्ती का सबसे ज्यादा शैतान बच्चा हो गया है और बहुत फुदकने लगा है। अगर जल्दी से तेरा फुदकना बंद नहीं किया तो तू मेरे लिए खतरा बन सकता है। मार क्यों रहा है? मेरी क्या गलती? अब मुझे थोड़ा ना पता था कि ओहो वो ड्रग्स कहाँ है? कौन सी ड्रग्स? 5 करोड़ की ड्रग्स। चलिए बताते हैं। भाई साहब, भूकम, ये राज है और ये जय है। इन दोनों छोकरों ने हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर रखा है। हमारी आंखों में धूल चौंक कर हमसे 50 लाख रुपए ले गए, फिर बैंक की वैन को गायब कर दिया और अब हमारी 5 करोड़ की ड्रग्स इनके कब्जे में है। नहीं भूकम, नहीं, तुम इन दोनों छोकरों को नहीं मारोगे, इन्हें जिंदा सलामत हमारे सामने लाओगे। इन्होंने हमसे धोखा किया है, इसलिए इसकी सजा भी हम ही देंगे। तुम्हें मेरी कसम है भूकंप, वादा करो कि तुम इन्हें जान से नहीं मारोगे। तुम्हारे हिस्से का माल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारा तीसरा साथी। कौन है तुम्हारा तीसरा साथी? सर, हमारा कोई तीसरा साथी नहीं है, और ये आदमी कौन है हम कुछ नहीं जानते। सर, हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ नहीं जानते। बच्चे, अगर अपने तीसरे साथी का पता यहाँ नहीं बताओगे तो पुलिस के टॉर्चर रूम में तो सब कुछ उगलना ही पड़ेगा। सर आप ये चलो, ओ चलो। Thank you.
आप किस लोक के प्राणी हैं? बताता हूँ, मैं उधम सिंह का भाई भूकम सिंह हूँ। तुम लोगों से मेरे भाई ने 5 करोड़ की ड्रग्स और 50 लाख रुपयों का हिसाब लेना है। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, चलो। चलो चलो अंदर, चलो बैठो। मियां बीबी का बात में। अरे चुप, अच्छा खासा ऑल इंडिया टूर का सत्यानाश कर दिया। ये खटारा बस में लेकर आया, मेरे को तो फ्लाइट में जाना था। पर डार्लिंग फ्लाइट कितना महंगा पड़ता है मालूम है ना? तो बेटा अच्छा लिसन, मेरा 50 फोटो अच्छा निकालेगा। अरे महाराज जान, तू मेरा 50 क्या 100 फोटो निकालेगा? क्या है बे? ये हम तुम्हारा अंकल जैसा दिखता है, ये हमारी आंटी जैसी दिखती है। अरे क्या हाउस स्वीट करती है? पूछने का तो इज्जत से पूछो अंकल, क्या है बे? तुम लोग को दिखता ही नहीं क्या? तुम लोग दोनों अंधा है क्या? अंधा मत बोलना, चमाड़ मारूंगा मुँह पे। बता यार, सुबह से इनकी गालियां सुनने आए कि सफर करने आए? अंधा बोल के गाली देता है हमको। लेक्चर क्या देता है? गुपचुप जाकर बैठो ना। गुपचुप हम बैठेगा? पहले तुम बैठो ना यार। पहले तुम बैठो ना। अबे चल यार, दिमाग का दही मत कर, बैठ चुपचाप। अरे तुम दिमाग का दही करता, तुम बैठ जा। दिमाग का दही मैं करता हूं, मैं करता हूं दिमाग का दही। बैठ वाले। हम तेरे हैं, हम तेरे, हम ही रहे।
तू चाहे मुझसे कह दे कह दे, दिल चाहे जान चाहे तू कह दे कह दे, जो भी मेरा है सब कुछ अब तेरा है, चुप क्यों है जो कहना है कह दे। ये इश्क बड़ी नामुराद चीज है। इश्क? हाँ, आज मेरी महबूबा का बर्थडे है ना। अच्छा, वो नेकलेस दिखाना। ए देखो जी। कितने का? 11,500। ये 1500 रुपए। आप मेरे साथ चलिए चाचा जी, अपनी हलवाई की दुकान है, बाकी का रोकड़ा वहीं से दिलवाता हूँ। 10,000। 10,000 जी? 2,000 लोग तो आएंगे ना किरिया और चौथे पर, और एक एक को 5-5 लड्डू तो देने ही पड़ेंगे ना। हाँ भैया, आपकी चाची सारे तीरथ करके गुजरी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए 500 रुपए एडवांस, और बाकी के चाचा जी आके दे देंगे। आप उन्हें 10,000 लड्डू दे दीजिए। फिक्र मत करो बेटा, आप जाओ, मेरी चाची की आत्मा आपको बहुत दुआ देगी। लाला जी, वो भैया 10,000 के लिए बोल गए हैं ना? हाँ हाँ बोल गए। हाँ, वो आप इनको दे देना। ठीक है, दे देंगे। ठीक है चाचा जी, आप बैठिए, मतलब 1 मिनट घर हो क्या। भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है, मगर आप बड़े ही भाग्यवान हैं। अच्छा जी, वो क्यों? अरे वो सारे तीरथ कर गई और क्या। कौन तीरथ कर गई भाई? अरे वही जो भगवान को प्यारी हो गई। भगवान को प्यारी हो गई? देखो जी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, तुम मेरे 10,000 दो तो मैं जाऊँ। सब्र रखो भैया, 10,000 हैं, बनने में टाइम लगता है। बनने में? वो अंदर नोट छाप रहे हो क्या? अरे भाई, मैं लड्डुओं की बात कर रहा हूँ। लड्डू? कैसे लड्डू? अरे वही लड्डू जो आपने अपनी पत्नी के क्रिया में बांटने कहा था। मेरी पत्नी के क्रिया? ठहर जा, मेरे 10,000। मेरे 19,500 निकाल। और तू वीरू? वीरू? हाँ, तुझे और तू वीरू, उन पहचानिया मैं कौन है? एक गब्बर सिंह का दूजा जन्म है, मैनू सांबा कहंदे ने, अते गब्बर भाई ठाकुर नु ढूंढदा फिरदा है। ठाकुर नु ढूंढदा फिरदा है? ए सुन, 5-5 कोस तक पिंडा विच मां बच्चे नु एक एक दूध पिलांदी है। बच्चे दूध पी ले, दूध पी ले, नहीं तो गब्बर आएगा तनु कुट के जाएगा, मैनु लुट के जाएगा। पर ठाकुर दे बच्चे ने मेरी हालत खराब कर दीता है। तनु पता है ठाकुर? ठाकुर मैनु जेल दी चक्की दा हाथ पिसवाया। गब्बर, गब्बर नहीं छड़ना। ओए वीरू जय, मैनु दस ठाकुर किथे है। ठाकुर? कौन ठाकुर? किथे है ठाकुर? अरे यार, अपने ठाकुर साहब को पूछ रहे पापा जी। वही टुंडा टुंडा। अच्छा अच्छा, वो वाले ठाकुर साहब। गब्बर पाजी, तुसी चलो मेरे नाल, मैं तुम्हें मिलाना ठाकुर साहब ने। आओ जी, चलिए पाजी, चलो चलिए। ठाकुर साहब की कोठी। ठाकुर साहब जाइए। ठाकुर मेरा नमस्ते बोलिएगा। अबे कान है बे, पूजा कान करिए, चमाड़े छोड़ गला धड़। अच्छा, तो आप उधम सिंह जी के भाई साहब हैं? जी, मैंने इस कथे से पहले ही कहा था कि जब हमें 50,00,000 रुपए मिल गए हैं तो हमें उनकी ड्रग्स लौटा देनी चाहिए। अबे तू झूठ बोल रहा जय, मरेगा तो पारी नसीब नहीं होगा तुझे। जय, तूने तो मुझसे कहा था कि ड्रग्स भी अपने, पैसे भी अपने। मुंह तोड़ दूंगा अगर मुझ पे छूटा सर, मैं मुंह तोड़ दूंगा भाई। तू मुझ पे हाथ उठाएगा? तू मुझ पे हाथ उठाएगा? जय, भले झूठ बोलता है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
बोलता है? भगता है क्या? हाँ, फिर पकड़ेगा। हाँ, चल भाग। अरे कैप निकालनी? हाँ खरा, भूल गया डार्लिंग। अरे टारी कैप नहीं, कैमरा की कैप निकाल। अरे हाँ सॉरी डार्लिंग, तुम इतना धांधल करता है ना, हम सारा नर्वस हो जाता है। देख फोकस अच्छा होना चाहिए। हाँ अरे डार्लिंग तुम फिकर मत करो, हम तुम्हें को इतना पतला दिखाएगा, इतना पतला दिखाएगा कि तुम अपने आप को पहचान नहीं सकेगा। हाँ देख डार्लिंग, अगर कैमरा से फोटो खराब आया ना तो मैं तेरा जिंदगी हाँ। खराब कर देगा। अपन सीधा उबारे ने भाग जा, जल्दी भाग, पीछे आ रहा है, भाग। अरे अरे रोको रोको, जीप रोको। हाँ जीप रोको, चल चल ऐसा, जीप रुक गई। आजा चलो। कहाँ चलोगे दोस्त? कहाँ ले जाओगी? कहाँ चलोगे यार? आप हमें किसी ऐसी जगह पे ले चलिए जहाँ पर हम कुछ दिनों तक सुकून से रह सके। चलो दोस्त, तुम यही ठहरो, मैं जरा चाचा से माल की बात करके आती हूँ। ये चाचा से अपने सामने बात क्यों नहीं कर रही है? ठीक है ना यार। हाँ। दोस्त तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, चाचा ने फौरन हाँ कर दी। 2,000 रुपया महीना देना पड़ेगा, वो भी एडवांस। हाँ, हाँ, मंजूर है ना, ये लो चाचा। अच्छा तो दोस्त हम अपना हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, तुम अंदर जाके सुस्ता लो, मैं अभी आती हूँ। चलिए। तो फिर आ गया यार। क्या ये ठाकुर दे सिपाही जिधर राम कर दी रक्षा करने वास्ते आए सी और गप्पर ने साथ टक्कर लेने वास्ते निकल गए सबे ग्रीन की। ये पागल तो मरवा देगा, थोड़ी देर में यहाँ भीड़ इकट्ठी कर लेगा। गप्पर दे ताप तो तनो एक कोई बंदा बचा सकता है? खुद गब्बर। पापा जी कोठी में ठाकुर साहब तो मिल गए थे ना आपको? मिल गया सी ठाकुर, अपनी जान बचा के भाग गया, पर उसका खानदान उत्ते सी, मैं सारे नु खत्म कर दिता। सारे कुत्ते खत्म कर दिए आपने? नहीं, एक कुत्ता बाकी है, वड्डा कुत्ता। वड्डा कुत्ता? वड्डा कुत्ता कौन? ठाकुर, ओए ठाकुर दा पता पूछे बगैर मैं तुहानू नहीं छड़ना। अरे पापा जी पहले तुसी पकड़ोगे ओदे बाद ही ना छड़ोगे? पकड़ तो लिता ना मैं तुहानू। अरे वाह पापा जी, ए भी कोई फड़ना? वैसे तो आप बहुत बड़े गब्बर सिंह बने फिरते हो। ओए फिरदा है फिर? फिर क्या पापा जी, हमें ढूंढ कर पकड़ो तो जाने। और क्या, अभी तो हम खुद ही आके यहाँ से टकरा गए ना, अब इसमें गब्बर सिंह वाली पाजुरी का काम थोड़ा ना हो कोई है। गल तो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुसी जाओ मैं तोड़े पीछे पीछे आना। कसरी गल पापा जी, ये कुत्तों ने भी काट लिया ना यार, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं इंजेक्शन लेके आना इससे पहले कि गब्बर सिंह से कुत्ता सिंह बनूं, मैं इंजेक्शन लेके तोड़े पीछे पीछे आना।
बंबई की लड़कियां मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं क्या? अबे छोड़, सुबह सुबह सपने देख रहा है। अबे जा जाके नहा ले। मिली शक्ल की क्या हालत बना दी है। है? यार जय, तू इस लड़की के बारे में क्या सोचता है? बुरी नहीं है यार। अबे गधे, मैं तुझसे कुछ और ही पूछ रहा हूँ यार, वो हमारी इतनी मदद क्यों करती है? तू समझता नहीं है यार, वो मुझे पटा रही है। चल जाए तेरी चाल है पत्ता फेंक। वाह क्या पत्ते आए। वाह ओहो, भागते हैं जय। भाग जय, उठना। जय उठना। अरे नहीं जय। अरे भाई साहब, अरे अरे कहाँ ले जा रहा मुझे? अरे देखिए मुझे बात कर ले प्लीज। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे मार क्या रे, अरे मार डाला। अरे अरे माफ कर दीजिए। अरे भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, ऊपर वाले से डरिए। जय भाग। अबे भाग। डार्लिंग जरा अच्छा अच्छा स्माइल दे जाओ। तू अपना काम करनी, मेरे को जैसा मूड होगा ना मैं वैसे ही पोज दूंगी। अच्छा अच्छा, तुमको जो मांगता है पोज दो, मैं क्लिक करते जाएगा। ओके उसको संभाल, मैं भूकंप को चकमा देता हूं। जिंदगी में हमेशा ठोकर खाकर खुद ही संभलना सीखा था राज। सब दुखते थे और फिर खुद ब खुद ही भर जाते थे। आज पहली बार किसी ने मेरे सख्त पर मरहम लगाया है राज, इतने प्यार से। आज के बाद अब जिंदगी में कैसी भी ठोकर खाओगी मिली, कैसी भी ठोकर, मैं हमेशा तुम्हें संभालता हूं, हमेशा।
दिन प्यार में, एक दिन प्यार में, चाहे जन्म सौ लग जाए, चाहे जन्म सौ लग जाए, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, ला 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 ला, हे हे आ, मुझे 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 कोई चुभन सी तो होगी, कोई चुभन सी तो होगी, दिले बेकरार में, दिले बेकरार में, दिले बेकरार में, दिले बेकरार में, पागल तुझे दिन प्यार में, ला 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 ला, हे हे आ, कैसे आके ठहर जाऊंगा, ओ कभी नींद बन के तेरी आंखों में, मैं छुपके से आके ठहर जाऊंगा, कभी बन के अरमा चाहत भरा तेरी धड़कनों उतर जाऊंगा, मेरा ये है वादा, किया है इरादा, मैं बेचैन इतना करूंगा तुझे, 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 तेरा भी दिल फिर ना होगा, एक दिन प्यार में, एक दिन प्यार में।
जय, क्या की आवाज? अरे जय, अच्छा मैं, हाँ 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 जय भूकंप सिंह जी, हमें माफ कर दीजिए भूकंप सिंह जी, बहुत बड़ी गलती हो गई भूकंप सिंह जी, हमें माफ कर दीजिए आपको लगती तो नहीं होगी। अरे आपको लगती नहीं है क्या? जय हो पेड़ महाराज, चल। यहाँ क्यों है? चल यहाँ से। जय मिली है यार, सारी मुसीबतों की जड़ यही तो है राज। हा? जब से ये मिली है कोई ना कोई आफत हम पर आ ही रही है। मिली तो बहुत अच्छी लड़की जय। अरे पागलपन छोड़ और चल यहाँ से। अच्छा जय, टॉस कर लेते हैं। ला मैं करता हूँ। जय ट्रांसमिटर तो यही वो फुंतरू है जिससे उधम सिंह का भाई भूकंप सिंह हमारा पता लगा रहा है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन राज ये तीसरा साथी कौन है जिसने ड्रग्स गायब करके हमें पुलिस के लफड़े में डाल दिया? पंजाब से निकलने से पहले मैंने तेरे को बोला था ना कि एडवांस में रूम बुक कर ले, लेकिन तूने मेरे को कहा नहीं शिरीन डार्लिंग, उधर जाकर रूम मिल जाएगा। लेकिन देखना ये होटल में सिर्फ दो कमरे खाली है और वो भी ये होटल का मालिक अपना दोस्त सिंघानिया के छोकरे लोग के लिए छोड़ा है। पर पीटर हमको क्या मालूम था कि उसका छोकरा लोग बीच में खाओ। शट अप, जाओ दूसरा होटल ढूंढते हैं। एंड नॉट अ वर्ड फ्रॉम यू। अरे आर यू मिस्टर सिंघानिया? दैट्स राइट सर, अभी अभी आपके लिए इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं। अच्छा कहाँ गए हो? वो बीकानेर गए हैं। ओ कितने रूम चाहिए सर आपको? दो, सिर्फ दो। छोड़िए।
इस वक्त अपनी चीज लेने आया हूँ। मेरे पास आपकी कोई चीज नहीं है। जुबान से इनकार कर रही हो और आंखों से इकरार कर रही हो कि आपके पास मेरा दिल नहीं है। उफ, शर्मा के तो और से दम ढाती है। देखिए, जब तक आप मेरा दिल नहीं देंगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हेलो, क्या? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। वो दोनों जमूरे तुम्हारे साथ राजस्थान में हैं। मुझे उनके एक एक पल की खबर बराबर देते रहना। हाँ, ओके ओके। राज, गाड़ी रोक। तू चल। क्या छोरी कौन सी चक्की का पीसा अनाज खावे? उसके हाथ पांव तो बड़े करारे हो रहे से। क्या बकता है बे? बहुत यारना लागे, बहुत यारना लागे। के भाया, भी छोरी के साथ तारो टाको भिड़ो के है? राम जादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। डायलॉग तो बहुत सही सही बोलियो जय भाया, इब मारे को ठाकुर को सही सही पतो भी बता दे। अरे यार, मुझे नहीं मालूम, मुझे खामखा परेशान मत करो। काली तो कहो तो कर दो से, तेरा दूसरा जोड़ीदार कटे से। फौजी नंबर दो, ए ठाकुर के फौजी, बाहर निकल से के मार दो गोली तेरे जोड़ीदार को। हिजड़ो, एक थूक। दिखाई नहीं देता क्या? गब्बर की थूक पड़ने के बाद तू पिघले हो कि नहीं? इब आएगा मैं जो बहुत दिन बाद को चैलेंज वाले मिलियो। गब्बर लटके रे भाइयो, गब्बर लटके, जरा तू छोड़ मारो कालियो जियो भटके। गब्बर कालियो, छोड़ दे कालियो, छोड़ दे, तेरा पैर पड़ो छोड़ दे। मिली, क्या जय हमारे साथ ही रहता है इस होटल में? नहीं, क्योंकि ना वो सुबह यहाँ पर होता है ना वो शाम को यहाँ पर होता है। आखिर वो करता क्या यार? हा? लो, ए जय। राज, तू आजकल कहाँ रहता? कुछ बताएगा भी? बताने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। कौन सा काम? बताऊंगा ना यार, पहले काम तो होने दे। अच्छा, इसका काम क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा नाम जय है। राधा। काश मेरा नाम कृष्ण होता। जय, इस दौर में ना राधा है और ना कृष्ण। प्यार तो है, कृष्ण की राधा की तरह तुम जय की राधा बन जाओ। जय, मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी के तमाम फैसले मेरे अंकल करते हैं। और दिल का फैसला? बोलो राधा, बोलो। वो मैं नहीं जानती। हैरत है, दिल तो तुम्हारा है और अपने दिल के बारे में नहीं जानती। अच्छा ये बताओ, मुझे देखकर मेरी मोहब्बत में तुम्हारा दिल धड़कता है? वो भी मैं नहीं जानती। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ नजर उठाकर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपना भविष्य देखना चाहता हूँ। मुझे तो यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शादी बंबई में ही हो, वहां मेरे भाई की तरह दोस्त है। मैं चाहता हूं कि राधा का कन्यादान वही करें। कोई बात नहीं सूरज साहब, शादी बंबई में हो या जयपुर में, बात तो एक ही, फर्क नहीं पड़ता।
बल्कि ये तो और भी अच्छा है कि शादी बंबई में होगी, क्योंकि बंबई में हमारी हमारी माँ हमारे साथ शादी में शामिल हो जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, मैं आज ही पंडित जी से मिलकर शादी की तारीख तय कर लूंगा। जय जीते रहो बेटा। चल नमस्ते। मिलके दिल कहता है मेरा, पहली बार मिलके दिल कहता है मेरा, कर लो प्यार तुझसे हो जाऊं मैं तेरा, कर लो प्यार तुझसे हो जाऊं मैं तेरा, हाँ तेरा, हाँ तेरा। रहने दे अब तो मुझे हम सफर प्यार में, मैंने चुना है तुझे। पहली बार मिलके दिल कहता है मेरा, पहली बार मिलके दिल कहता है मेरा, कर लो
लो प्यार तुझसे, हो जाओ मैं तेरा, हाँ तेरा, हाँ तेरा। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। दौलत और औरत के लिए मर्द कुछ भी कर सकता है। मेरे भाई उधम सिंह को चूना लगाने वालों को मजा अब मैं चखाऊंगा। सूरज भान, तुम्हारा ये एहसान हमारा परिवार कभी नहीं भूलेगा। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है भूकंप सिंह। ये लड़की हमारे लिए तो वैसे ही बवाले जान थी। मैं जानता हूँ तुम उसकी शादी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कब राधा की शादी हो और कब तुम उसकी सारी जायदाद के अकेले मालिक बनो। फिर हमने तो तुम्हारा देश भी बचा लिया है सूरज भान, मगर अब वो लड़की हमारे कब्जे में है। उन दोनों लाउंडों के साथ साथ उसका भी काम तमाम कर दूंगा। सूरज भान सिंह के इस फैसले से कि शादी बम्बई में होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। है जय? जय, सूरज भान सिंह बम्बई में हमारी शादी नहीं करवा रहा है, बल्कि तुम्हें और राज को किसी उधम सिंह नाम के आदमी के हवाले कर रहा है। और उधम सिंह तुम लोगों की जान का दुश्मन है। लेकिन सूरज भान सिंह तुम्हारा अंकल होते हुए तुम्हारे साथ ये गंदा खेल क्यों खेल रहा है? वो मेरा मुंह बोला अंकल है जय। मम्मी डैडी के एक्सीडेंट के बाद प्रॉपर्टी के लालच में वो मेरा अंकल बन बैठा। अच्छा, लेकिन जय एक बात समझ में नहीं आई कि वो तुम दोनों को मारना क्यों चाहता है। उधम इंसान नहीं शैतान है राधा, नशीली दवाइयों का सौदागर है वो। उस कमीने से हमारी माँ ने 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिससे उसने अपने चोपड़े में 40,00,000 रुपए कर लिए थे। जब हमें इस बात का पता चला तब हमने उसी से रुपए लिए और उसी को अदा कर दिए। यही वजह है कि वो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। जय, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। चल निकलते हैं यहाँ से। चल। मिली, मैं उधम सिंह बोल रहा हूँ। उधम सिंह, अब वो लड़के तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। ए छोकरी, तो अच्छी तरह से जानती है कि उधम सिंह की इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं जय राज और तेरी लाश एक साथ बचा लूंगा। उधम सिंह, ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि रहती दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन उधम सिंह, उधम सिंह, धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है राज, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हें और नहीं समझना है। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने तुम्हें समझने में इतनी देर क्यों लगा थी। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बस थोड़ा सा प्यार ही तो मांगा था तुमसे, फिर क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात? मुझे माफ कर दो राज, माफ कर दो मुझे। हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे नापाक खून से अपने हाथ रंग लूं। हट। राज मेरी बात सुनो राज, मुझे ठुकराने से पहले एक बार मेरी सच्चाई जान लो राज। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी राज, ये सच है। मुझे उधम सिंह ने भेजा था, मैं उधम सिंह के बैंक में नौकरी करती थी। तुम्हारे रुपया ले जाने के बाद एक दिन उधम सिंह ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था। मिली, तुमने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि तुम्हें अपनी बहन का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना और तुम्हें 5,00,000 रुपए चाहिए। जी सर। मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें याद है उस दिन दो लड़के मेरे दफ्तर में आए थे? जी। उन दोनों लड़कों ने धोखे से हमारे बैंक से बहुत बड़ी रकम उड़ाई है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? यू आर ए वेरी स्मार्ट गर्ल। दोनों में से एक का नाम जय है और दूसरे का नाम राज है। मैं चाहता हूँ कि तुम राज को अपने हुस्न के जाल में फांसो। और याद रखना, उन दोनों को यहाँ साथ में लाना है मेरे पास। मैं आई तो थी तुम्हें फंसा दे, पर खुद ही तुम्हारे प्यार में फंस गई। तुम्हें कैद करने के लिए जाल बिछाया था मैंने, खुद ही कैदी बन गई। देखो देखो इन आंखों में, क्या तुम्हें इनमें बेवफाई की झलक नजर आती है? क्या ये आंखें तुम्हें ऐसी नजर आती हैं जिनमें प्यार का अमृत नहीं धोखे का जहर हो?
मुझे छोड़ के मत जाओ राज, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी राज, रुक जाओ राज। भाई को धोखा दिया है, चल अब तू भी इन सबके साथ चल, चल। से भूख लगी है। अरे तो ये लक्ष्मण किस दिन काम आएगा, तुम जरा रुको, मैं अभी ठीक है। हा? लेकिन अपने माल वाल कहाँ है? उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी। राधा तू यहीं रुक, जरूरत पड़े तो आ जाना। अच्छा हा? अच्छा जी अभी लाया, एक दाल फ्राई, एक आलू मटर। नहीं जय, ये मेरा शिकार है। क्या हुआ मिली? छेड़ता है। क्यों रे साले भाई, लड़कियों को छेड़ता है? दिखा दो। मौका अच्छा निकल तो भागते। मिली ये रोटी तुम लोग खा लो, तुम और राधा खा लो, हमें भूख नहीं है। झूठ क्यों बोल रही है, अभी तो इतनी भूख लगी थी। एक रोटी और खाने वाले चार। ये तो बहुत ना इंसाफी है भाई, बहुत ना इंसाफी है। ए लो कौन है ये? ये वो पागल है जो अपने आप को गब्बर सिंह समझता है। अब ठीक है, अब देख लो भाई, ये ऐसा और ये ऐसा है। अब हम इसको घुमा देते हैं ऐसे। अब किसके किस्मत में रोटी है, किसके किस्मत में फांके है, हमें कुछ नहीं पता। पागल कहीं का, एक रोटी थी उसका भी नाश कर दिया। एक बची थी, बाकी की रोटी क्या अपनी बेटी की बरातियों को खिलाने की रखी तूने? गब्बर सिंह, अब तुम्हें यहाँ से अनाज का एक दाना नहीं मिलेगा। अरे कौन रोकेगा हमें? हम लोग। अरे सुना,
ठाकुर ने हमारे मुकाबला करने के वास्ते छोरियां का भोज बनाई है। मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है गब्बर सिंह। गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, याद रख ले। हाँ हाँ नाच। ये छोरी तेरा दिमाग खराब हो गया, गब्बर से कह रही नाचने के लिए। ऐसे कोई बात नहीं, नाच सकते हैं, लेकिन दो तार बोतल फोड़ दे तो फिर नाचने का मजा कुछ और होवे। जैसे पितर में दिखाने हम मार लेना, तीन तार बोतल फोड़ दो यार फिर। हाँ ठाकुरायन, गब्बर सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो आओ इनके लिए बोतलें लेके आते हैं। अच्छी बात है, बोतल लेके आना। तो कांच वाली बोतल ले आना, बिस्तरी की ले आना, वो प्लास्टिक वाली। हाय हाथा में बोतल गले में गुल बंद बोला कहाँ गए थे। कितनी खूबसूरत हो तुम, मासूम सा चेहरा, ये शर्म से झुकी तुम्हारी आंखें, जो जरा सी भी उठती तो लगता है जमाने भर की खुशियां मेरी झोली में आ गई। तेरी निगाहों का सलाम कबूल करें, मेरी निगाहों में वो नफासत नहीं। तुझसे मिला लूं नजर तो मगर मेरे दिल की शायद ये आदत नहीं। मिली कितना प्यार है तुम्हारी आंखों में, जिनमें वफा की झलक नजर आती, जिनमें धोखे का जहर नहीं प्यार का अमृत है। हाँ मिली, वादा करो कि आंखें हमेशा मुझको देखती रहेंगी। वादा करो, देखती रहेंगी। तेरे करे छेड़खानी, दुपट्टे से तेरे करे छेड़खानी, हवा को इतनी इजाजत न देना। तेरे करें छे
हवाओं को इतनी इजाजत न देना। ओ दुपट्टे से तेरे करें छेड़खानी, हवाओं को इतनी इजाजत न देना। शीरिन डार्लिंग, ये टूर में तुम्हारा एक भी अच्छा फोटो नहीं निकला। अरे तू तो बुढ़ा हो गया है, तेरे से कुछ भी काम जल्दी जल्दी होता है क्या? अरे आहिस्ता बोलनी, ये झाड़ के पन कान रहता है। अब ये लिपस्टिक छोड़, और कोई नहीं है उससे पहले तुम्हें जल्दी से खींच लेता हूँ फोटो। ओ डार्लिंग। कमाल है यार, कॉइन भी फट गया, मिली का राज भी फाश हो गया, मगर उस उधम सिंह के आदमियों से अभी तक हमें छुटकारा नहीं मिला। आखिर कौन है वो आदमी जो हमारे बारे में उसे बता रहा है? ये देखो जय, प्यारे जय और राज, तुम जहां कहीं भी हो फौरन चले आओ, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। उधम सिंह धांधड़ा साले की ऐसी की तैसी, नीचे लिखे हुए पते पर इन्हें पहुंचाने वाले को 1,00,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। अब बता क्या करें, अब इन शक्लों के साथ तो मैं रह नहीं सकते, नामुमकिन। राज, दाढ़ी मूछ ढूंढते। गब्बर सिंह, तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। रामगढ़ के कॉलोनी वालों, रामगढ़ में आएगा कलिंगड़ फेंक के मारेगा। कौन है? कम यार, कौन है तुम? सरदार, मैं कालिया। सरदार कालिया, तुम इधर क्या करते है? सरदार, मैंने आपका नमक खाया। सरदार, नमक खाया, सॉल्ट खाया, अभी बुलेट खा, बुलेट। सरदार, पिछले जन्म में जो तुमने बुलेट दिया था वो खा के मैं सीधा ऊपर। अरे तुम क्या रे, हमारा बुलेट से पूरा ठाकुर का फैमिली को हम ऊपर भेज दिया, गेट आउट बोल दिया रे। तुम क्या बात करते रे? बट सरदार, अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन सरदार, ऊपर तो ये हवा कि आपके ठाकुर ने बहुत जम के धुलाई की। जो मत भी जोकिंग रे, ठाकुर हमारा धुलाई करेंगे, जिसका हम हाथ काट के सब फेंक दिया, हैंडीकैप बना दिया, वो हमारा धुलाई करेंगे। क्या बात करते हो तुम? लेकिन हाथों से नहीं, सुना कि जूतों से पिटाई की।
नहीं कह रहे जूते से गब्बर को क्या गब्बर क्या बुंगी मॉस्किटो है जो जूते से ऐसा मारेंगे बोलते रे क्या बात करते रहे तुम साला कालिया हमारा असिस्टेंट रखे साला नमक गरमगिरी करते गब्बर सिंह ये जूते भूल गए कौन है सांप को पैरों से नहीं हाथों से कुचला जाता है ठाकुर के जूते चीटिंग चीटिंग इतना बड़ा बड़ा खिल्ला है नहीं 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 तू ले ले ये जूता मेरे को बदे 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 तुम भूकंप सिंह को बेवकूफ बनाने चले थे रस्सी छोड़ जाए अबे रस्सी छोड़ जैसा उधम सिंह साहब ने कहा था मैंने सब तैयारी कर ली एलिजाबेथ हॉल से हीरो के हार को उड़ाकर आपके हवाले करना ये जोजो का काम है वहां से होटल तक हिफाजत से पहुंचाना वो काम आपका है लगे हाथ निपटा देते हैं काम तुम दोनों कमरे में हमारा इंतजार करना चल आज रात उधम सिंह साहब बॉम्बे से गोवा पहुंच जाएंगे बाकी बातें मैं उनसे कर लूंगा ओके जोजो
लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्शन का टाइम हो चुका है। ये हीरों का हार जो इस शीशे के केस में आप देख रहे हैं, इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यह हार आज से 800 साल पहले रोम के बादशाह के पास। अरे ये क्या हुआ, ये लाइट किसने बंद कर दी, ये आवाज कैसी? माय गॉड, ये हार कहां गया? कहां चला गया? जी, ये दोनों कौन है? जोजो ने तो हीरों का हार लाके मुझे दे दिया था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने मुझे घेर लिया। अगर ये दोनों मुझ पर मेहरबान ना होते तो मैं माल समेत पकड़ा जाता। आई सी, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू जेंटलमैन, आपने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसी कोई बात नहीं सर, ये रहा आपका हीरो का हार। How wonderful! आप लोगों ने हीरो का हार दिया है, इसकी जान बचाई, इसके लिए मैं आप दोनों का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो याद करना। सर एक बात कहूँ? सर आप बहुत शौकीन लगते हैं। मतलब आपका पाइप सर, आपके पाइप की सिलेक्शन बहुत अच्छी है सर। यू लाइक इट? यस सर। सर अगर ये पाइप आप हमको देंगे तो हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। यस सर। सर मैं हमेशा सोचता था कि एंटीक पाइप में तंबाकू पीने का मजा ही कुछ अलग है। ऑफ कोर्स भाई, इस पाइप की कीमत हमारे भैरों की जिंदगी की कीमत से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। फनी पीपल। अरे भाई भैरो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी बहन को क्या मुंह दिखाता? नहीं जी, आप मेरे करीब मत आइए। क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे पेट पर बॉम्ब बांध रखा है। ये राजा जय वही लोग हैं जिन्होंने आपसे 50 लाख रुपए लिए और ड्रग्स को भी गायब कर दिया।
Punjabi music taking off the world by storm. From Delhi, New York, Sao Paulo, Mumbai. You better catch the vibe, you better catch the vibe. तो खिलौना है, चलो। अच्छा अच्छा तो ये दोनों फिर से मुझे चूना लगा गए, मुझे ही टोपी पहना गए। शायद ये नहीं जानते कि उद्धम सिंह की मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा उन दोनों को। बच गए। हाँ। दोनों लड़कियां हमारे कब्जे में हैं। इनकी सलामती चाहते हो तो बंबई पहुंचो। भूकंप सिंह, इन बच्चों को छोड़ दो। मत मारो, मत
मारो मत मारो। अब तो इन कागजों पर दस्तखत कर दो। इनमें लिखा है कि अब तुम्हारा इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, दस्तखत मत कीजिएगा। हाँ। क्यों नहीं दस्तखत करेगी ये? ऐसा कौन सा रिश्ता है तेरे साथ जो तेरा आदर करते हुए ये दस्तखत नहीं करेगी? हाँ बोल। तू रिश्तों की बात कर रहा उथम, तू? अरे तुझे तो गरीबों की हाय लगेगी। हाय मारो। देखो, जिद मत करो, कर दो दस्तखत। नहीं करेगी? शाबाश। आओ भूकंप, ले आए इन महारानियों को। तुम दोनों को शादी का बहुत अरमान था ना, हम तुम्हारा ये अरमान पूरा करेंगे। फिक्र मत करो, तुम्हारे दुल्हों की जगह हमारे ये सारे साथी होंगे। यही तुम्हारे दूल्हे होंगे और यही तुम्हारे बराती होंगे। पर खटारे, ले जाओ इन दुल्हनों को और तैयार करो इन्हें। जानता था कि तुम दोनों कुत्ते भौंकते हुए यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने भूकंप को, जिसके लिए कुत्ते को मारना या इंसान को मारना एक बराबर है, इसे कसम दी थी कि तुम दोनों को अपने जुनून का शिकार न बनाए, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपने सामने तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। मारो! देख, इन्हें तूने अपनी ढाल समझा था ना, अब देख कैसे ये रेत के गरोंदों की तरह ढेर हो गए हैं। ले जाओ इन्हें और लिटा दो इनको इनकी चिताओं पर, और ले आओ उन लड़कियों को जो इसकी बहुएं बनने का ख्वाब देख रही थी। नहीं, वो मुझे मायूस नहीं कर सकते, उनसे इन बच्चों की बड़ी आशाएं हैं, इनकी आशाएं टूट नहीं सकती। मैंने इन्हें दूध नहीं पिलाया तो क्या हुआ? प्यार और विश्वास का जल पिलाया है मैंने इन्हें। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा भगवान पे से भरोसा उठ जाएगा। सुन रहा है ना तू? उठो, उठो मेरे बच्चों, जय राज, उठो। इस दुखियारी माँ को नास्तिक होने से बचा लो। उठो जय, उठो। चला दे इसे माँ, चला कर राख कर दे इसे। अरे ये क्या जलाएगी मुझे, मैं तो इसकी मांग में बसा हुआ हूँ। क्या आज तक किसी औरत ने
अपने पति परमेश्वर को जलाया है। बरसों से मेरी नजर इस प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इसके बाप को 50,000 रुपए का कर्जा दिया ताकि उसे फंसाकर ये सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लूं। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि उस कमबख्त ने ये सारी प्रॉपर्टी इसकी होने वाली औलाद के नाम पर कर रखी थी, इसलिए मैंने दूसरा पैंतरा मारा और इससे शादी कर ली। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो बीच चौराहे में आके फूटता है। पानी की सतह पे लहर नहीं है तो ये मत समझ लेना कि उसकी तह में मगरमच्छ नहीं है। समंदर की खामोशी अपने अंदर बहुत बड़े तूफान को छुपाए होती है। एक औरत अकेली होती है, लेकिन जालिम समाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तलवार भी अकेली होती है। मैंने तुझे जो इज्जत दी तूने उसे मेरी बुज़दिली समझा। मैंने तुझे जो मान दिया तूने उसका बहुत गुमान किया। लेकिन सच तो ये है कि तू किसी इज्जत के लायक ही नहीं है उधम सिंह। अरे मेरी कोक को गाली देता है तो तूने उस औरत की कोक से औलाद पैदा क्यों नहीं की? बता, तेरी नामर्दी की मिसाल इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि तूने इन मासूम बच्चों पर जुल्म किए। एक जानवर की तरह अपनी बेटी की उम्र की लड़की की इज्जत लूटने का तमाशा देखा। जी अब दिखाता हूं तुझे। साथी पागल गब्बर सिंह नहीं, सीबीआई ऑफिसर जॉनी लोबो। मैं समझ गया था कि इतनी बड़ी गेम के पीछे तुम जैसे छोटे मोटे टोपी बाजों का काम नहीं है बल्कि किसी बड़े मगरमच्छ का हाथ है। इसीलिए मैंने ड्रग्स गायब कर दी थी और यहां तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारे पीछे साये की तरह लगा रहा। उधम सिंह अब तुम्हारा पर्दा पास हो चुका है, समझे?
तुम कानून के हाथ से बच नहीं सकते। कितना सुहाना मौसम है आज। कितने दिनों के बाद चैन की सांस ली है। जैम्बो, खुश हुआ? अरे तो वही है, सीबीआई इंस्पेक्टर। मैं सीबीआई नहीं, मोगैम्बो। ठाकुर तो मिल गया, अब मोगैम्बो किसे ढूंढ रहा है? मिस्टर इंडिया को। सभी को दौलत का चक्कर चला रहे हैं सब चक्कर, फेंक रहे जाल सभी बने हुए सब घन चक्कर, माल इधर कभी माल उधर, हेरा फेरी है टक्कर, सच की झूठ से है टक्कर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। बाप है गोरा बेटा काला है, क्या करो, ड्राइवर में साहब लेके भागा है, क्या करो, लला ने मजनू को मारा है, क्या करो, कोई जीता कोई हारा है, क्या करो, प्लेन गिरा और कोसो लुढ़ के है, क्या करो, दुनिया में यहाँ झगड़े तगड़े है, क्या करो, अंधे खेले आदमी चोली मैं, क्या करो, अंकल चुप्पा की बड़ बोली मैं, क्या करो, अरे भाई साहब ऊपर वाला किधर गया, ऊपर वाला, ऊपर वाला आज छुट्टी पर गया हॉलीडे। दुनिया है चलता है जो होता है होने दे, चार दिन की जिंदगी है जो करना है करने दे, ये ये दुनिया है चलता है जो होता है होने दे,